T20 वर्ल्ड कप 2024 में कुल 2 महीने का समय बाकी है और जो टीम इंडिया है वो उस T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी हुई है। और फैंस का एक सवाल है कि T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी रहने वाले हैं। अब इस प्रोसेस में एक डिबेट सोशल मीडिया पे काफी टाइम से हमें देखने को मिल रही है, वो है विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा, जहाँ पे फैंस कह रहे हैं कि यार विराट कोहली को लेके जो है सवाल है, स्ट्राइक रेट कम है, विराट कोहली जो है T20 वर्ल्ड कप खेलना डिजर्व नहीं करता है। और दूसरी तरफ जो फैंस है वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा वॉकिंग इन टू द प्लेइंग 11। अब इस डिबेट को क्लियर करने के लिए आपको नजर डालनी पड़ेगी स्टैट्स पे कि करंट फॉर्म कैसी है, पास्ट में वर्ल्ड कप रिकॉर्ड कैसा है और इन दोनों खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप में कैसी परफॉर्मेंस की है। अब रोहित शर्मा को लेके सर्टेनिटी है क्योंकि जय शाह ने एक प्रेजेंटेशन में राजकोट में बताया था कि रोहित शर्मा जो है T20 वर्ल्ड कप में कप्तान होंगे भारत के, और विराट कोहली को लेके कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि वो उस T20 वर्ल्ड कप का पार्ट होंगे या नहीं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, किस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में चीजें दिखेंगी और ये दोनों खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में होंगे और किस तरीके से जो है टीम इंडिया का स्क्वाड दिखने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक क्रिकेट इन जींस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे करना बिल्कुल ना भूले। अब आप बात करेंगे विराट कोहली, विराट कोहली के स्टाइल ऑफ बैटिंग इन T20 क्रिकेट हमेशा से ही अंडर द स्कैनर रहा है। भले ही उन्होंने कितने रन बनाए हो, कितने अच्छे स्ट्राइक रेट से बनाए हो, लेकिन एक सेट्स ऑफ फैन है जो हमेशा से ही विराट के अगेंस्ट रहा है और वो आपको पता है। अब ये चीज कॉन्स्टेंटली हमें देखने को मिली है सोशल मीडिया पे और काफी सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने भी इस चीज को प्रिंट किया है, जहां पे विराट कोहली जो है वो T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होंगे, काफी सारी अनेक बातें देखने को मिली है। हम सबसे पहले बात करते हैं, अगर विराट कोहली वॉक इन नहीं करते हैं 2 T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी, तो रोहित शर्मा उस वर्ल्ड कप 11 में कैसे वॉक इन करते हैं। क्योंकि विराट कोहली ने साल 2014 में नॉकआउट में सेमीफाइनल में 72, फाइनल में 77, 2016 के सेम सिनेरियो 82 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल नॉकआउट, उसके बाद सेमीफाइनल में 89 वर्सेस वेस्ट इंडीज, जो इंडिया मैच हार गई बॉलिंग की वजह से 3 ओवर डालने के बाद। अब सेम सिनेरियो विराट कोहली का 2022 वर्ल्ड कप में 82 वर्सेस पाकिस्तान, 50 बनाया उन्होंने सेमीफाइनल में, बांग्लादेश के खिलाफ भी उनकी 50 थी। तो 4-5-50 ओवर T20 वर्ल्ड कप में लगाता है या 7-8 मैचों में, तो जो एवरेज है वो भी 500 से ज्यादा का है, वाइल चीज है स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा स्ट्राइक रेट है। अब अगर हम दूसरी तरफ कैप्टन रोहित शर्मा की तरफ देखें, पिछले 2 ही वर्ल्ड कप की मैं बात करूंगा, जहां पे हम 2021 T20 वर्ल्ड कप और 22 T20 वर्ल्ड कप के स्टैट्स आपको बताते हैं इस वीडियो में। रोहित शर्मा अगेंस्ट पाकिस्तान 2021 वर्ल्ड कप फर्स्ट बॉल डक, सेकंड मैच हमारे लिए नॉकआउट मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 14 बॉल में 14, एक कैच वहां पर ड्रॉप हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ 2022 वर्ल्ड कप में 4 रन जब विराट कोहली ने 82 बनाए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ पर्थ में 15 रन, बांग्लादेश के खिलाफ 2 रन, जिम्बाब्वे के खिलाफ 15 रन, इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में 27 रन 28 गेंदों में, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 96 का स्ट्राइक रेट। अब वहीं एसोसिएट या फिर टॉप रैंकिंग्स के बाहर की जो टीमें हैं जो 6-7 के बाद आती है, अफगानिस्तान के खिलाफ अबू धाबी में 74, स्कॉटलैंड के खिलाफ दुबई में 30 रन, नामीबिया के खिलाफ 56 रन और नीदरलैंड के खिलाफ सिडनी में 53 रन। अब ये जो पारियां हैं ये सब ही कैच छूटने के बाद टफ सिचुएशन के बाद आई है रोहित की अगेंस्ट वीक टीम। अगर हम 2016 T20 वर्ल्ड कप की भी बात करें तो वहां पे 5 बनाए न्यूजीलैंड के खिलाफ, 10 बनाए पाकिस्तान के खिलाफ, 18 बनाए बांग्लादेश के खिलाफ नॉकआउट मैच में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, 12 रन वेस्ट इंडीज के खिलाफ सेमीफाइनल में 43 रन। तो आप देखेंगे तो इसमें एक भी बड़ी टीम से ना कंट्रीज या फिर अलॉन्ग वेस्ट इंडीज पाकिस्तान एक भी बड़ी पारी नहीं है। और ऑन द अदर हैंड विराट कोहली विनिंग मैन ऑफ द टूर्नामेंट अगेन एंड अगेन, और जो आप बात करेंगे नॉकआउट मैचेस में इंपैक्ट की, वहां पे भी विराट कोहली का नाम सबसे ज्यादा है। अब ऐसी चीज क्यों है, क्योंकि रोहित शर्मा लेके आते हैं आईपीएल कैप्टनसी, तो इस वजह से जो है वो प्लेइंग 11 में वॉक इन करते हैं कि भाई 5 बार ट्रॉफी जीती है और रोहित शर्मा डिजर्व्स टू लीड इंडिया इन अ वर्ल्ड कप स्पेशली द फॉर्मेट T20। अब विराट कोहली को लेके बात क्यों, क्योंकि विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेके जो बात है वो है कि भाई स्ट्राइक रेट गिरे हैं। अब हम रोहित शर्मा विराट कोहली के करियर स्ट्राइक रेट पर नजर डालें, विराट कोहली 139 करियर एवरेज, रोहित शर्मा 139 करियर एवरेज। विराट कोहली एवरेज अगर मैं आपको बताऊं टोटल T20 क्रिकेट में 53, और अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा 32, तो ये डिफरेंस आ रहा है स्ट्राइक रेट एवरेज में काफी ज्यादा। और जो सिचुएशन है फैंस के में ये कि यार ये विराट को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है या रोहित को डाउनग्रेड करने की कोशिश जा रही है, ऐसे स्टैट्स बता के सिचुएशन ऐसी है कि दोनों ही डिजर्व करते हैं। रोहित शर्मा का परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप्स में खराब है, लेकिन टीम इंडिया नीड्स इज कैप्टनसी और विराट कोहली की बैटिंग हमेशा टफ सिचुएशन में वाली। आपके कितने यंगस्टर आईपीएल में अच्छा कर रहे हो, लेकिन जब 3 विकेट ड्रेसिंग रूम जा चुके होते हैं आईपीएल चैंपियंस, तो वहां पे विराट कोहली ही खड़े होते हैं हमेशा इंडिया के लिए। तो अपडेट आ चुकी है कि विराट कोहली इज ऑलमोस्ट सर्टन फॉर दैट T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली की जो जगह है उस वर्ल्ड कप में आपको दिखने वाली है। तो जो भी विराट कोहली फैंस हैं सबके लिए गुड न्यूज है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, विराट कोहली आपको उस न्यूयॉर्क की फ्लाइट में जाते हुए नजर आने वाले हैं। तो स्टैट्स के थ्रू तो मैंने बता दिया रोहित शर्मा के जो रिकॉर्ड है विराट कोहली से काफी ज्यादा खराब है T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन जो उनकी कप्तानी है वो उन्हें टीम इंडिया में जगह देती है। और विराट कोहली विद द बैट हिज परफॉर्मेंस एंड हिज एक्सपीरियंस प्लेइंग 11 में वॉक इन करते हैं। अब जो आपको सोशल मीडिया कहे फैंस कहे आपको उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, दोनों इंडिया के बेस्ट प्लेयर्स हैं और दोनों डिजर्व करते हैं T20 वर्ल्ड कप खेलना, और टीम इंडिया को जो 11 साल का वेट है वो एंड होते हुए देखना बारबाडोस में। अगर आपको रिपोर्ट अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके साथ एक और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।